हेलो दोस्तों, ये मेरे पास माइक्रोटेक मर्लिन का इन्वर्टर आया हुआ है। इसके अंदर अभी प्रॉब्लम आ रही है, ये बैटरी पे तो सही वर्क कर रहा है और अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे हम इसके अंदर मेन लाइट चालू करती है, चालू करने के बाद में ये मेन की बत्ती तो शो कर रहा है लेकिन ये आगे नहीं चला रहा है लोड वगैरह कुछ भी। तो इसके अंदर ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम आती है, ये रिले ट्रिप नहीं होती तो दिक्कत आती है, या फिर इसका ये हमने ये चेक किया, ये तो सही है। और इसके बाद में हमने यहाँ पे इसमें दो चीज़ लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं जो रिले को ट्रिप कराते हैं। एक होता है Q12 और एक और होता है, ये है Q18। आप देख सकते हो ये Q18 है, 1P लगा है। एक ये चेंज करना होगा और एक ये Q12, ये दोनों चेंज करने होंगे। चेंज करने के बाद में बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आपको चेंज करके दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, अभी आपको बोला था मैंने भी इसमें दोनों ट्रांजिस्टर ख़राब थे, हमने ट्रांजिस्टर दोनों चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद में अभी हमने बैटरी वायर लगा रखी है, अभी हम इसके अंदर मेन चालू करते हैं। मेन चालू करने के बाद में आपको दिखाते हैं, ये मेन शो हो गई और चार्जिंग चलने लग गया। ज़्यादातर यही दिक्कत आती है इसमें, या रिले ख़राब होती है या ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाते हैं। अगर ये सारा कुछ सही होता है उसके बाद में एक और दिक्कत आती है, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये SNS वायर लगी होती है तो हमने इसको निकाल दिया, निकालने के बाद में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके अंदर क्या होती है, यहाँ पर ये डायोड लगी होती है, ये डायोड शॉर्ट होने के बाद में तो भी दिक्कत आ जाती है। अभी अगर हम इसको वापस लगा देंगे ये सही चलने लग जाएगा। ये डायोड भी चेक कर लेना चाहिए, डायोड भी ख़राब होती है कई बार। इसमें डायोड जल गई थी, मैंने नहीं डाल दिया, तो ये अभी सही वर्क करने लग गया। ओके दोस्तों, आपको नई से नई वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और कोई भी किसी भी प्रकार का फॉल्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को बोल दो, मैं उसकी वीडियो बना के नेट पर अपलोड कर दूँगा। ओके दोस्तों।